fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. मेरे भाइयों, मैं आपका अपना भाई ट्रैवलिंग खलीफा आपका स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में। अभी हम हैं पतोंग बीच पे, फुकेट के एक नंबर का बीच है भाई साहब। पताया बीच तो यार मतलब अपने इसके लिए फेमस है, लेकिन ये बीच भाई साहब फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। एक नंबर का क्राउड आपको मिलेगा, ज़्यादातर यहाँ पे ना यूरोपियन क्राउड ज़्यादा है भाई। यहाँ पे इंडियन क्राउड, यूरोपियन बोले तो रशियन पशियन उसमें सारी आ जाएंगी। गोरियाँ आपको ज़्यादातर मिलेंगी यहाँ पे, इंडियन क्राउड बहुत रेयर है, बहुत रेयर क्राउड। Like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect. अब चेक करो, एक से एक मैटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, कच्चे कुछ बैठे हुए भाई, बियर मार रही है यहाँ पे। आओ आगे दिखाता हूँ आपको, एक रशियन बैठी है बियर मार रही है कच्ची पहन के। आओ उधर मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे देखो, वहाँ पे रशियन बैठी है कच्ची पहन के, बियर मार रही है, मौज ले रही है। और यहाँ पे भाई खाली वही लोग आते हैं जिनको पसंद है शांति, अपना यहाँ पे आराम से बैठेंगे, सनसेट लेंगे, दारू मारेंगे, मौज काटेंगे बस। भाई माल देख के प्यार आ गया तुम्हारे भाई को। जस्ट अभी उठा हूँ मैं, यहाँ पे बज रहे 9, रात में थोड़ा सा लेट हो गया था खाना खा के आके सोने में। तो अभी परसों मेरे को जाना है फीफी आइलैंड, अभी साथ में ये दो गोरियाँ और थी अपने रशियंस, वो गई हैं आज सुबह सुबह फीफी आइलैंड के लिए। परसों वहाँ पे अपने को मिलेंगी शायद वहाँ पे। तो अभी इतना गर्दा तो यहाँ मचा दिया तुम्हारे भाई ने, फीफी आइलैंड में इसका दुगना होगा देख लेना। पार्टी है वहाँ पे, पूल पार्टी, पूल पार्टियों का वेट था ना तुमको, बहुत मज़ा आने वाला है पूल पार्टी में। तुम्हारा भाई देख रहे कैसे मज़े लेगा और मज़े दिलाएगा तुम्हें भाई। कल दो चार लड़कियों के पास तुम्हारा भाई रुका, एक्चुअल में रुका क्या, उन्होंने खुद ही रोका, बातचीत कर रही थी तुम्हारे भाई से, इम्प्रेस हो गई थी। दो लड़कियाँ तो कह रही भाई अभी कभी लेके चल मुझे अपने साथ, मैं नहीं जानती भाई हाथ ही ना छोड़े। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कोई नहीं, कल आऊँगा कल आऊँगा, भाई हाथ ही ना छोड़े। कह रही अभी चल यहीं के यहीं अंदर ही है स्पा के अंदर ही, कह रही कर दूंगी मैं बॉडी टू बॉडी मसाज। भाई भाई यहाँ की लड़कियाँ इंडियंस में बहुत ज़्यादा मरती है, पता नहीं क्यों, हमारा स्किन टोन ही शायद ऐसा होगा। तो भाई दोनों लड़कियाँ कह रही अभी अभी चल, कह रही तुझे बड़ा डिस्काउंट दूंगी मैं, चल तो तू एक बार। अच्छा सब करने के बाद थोड़ी सी डाइट भी ज़रूरी है, तो मैं दिल्ली इंडिया से ही लेके आया था, यहाँ पे रात में भिगा दिए, सुबह आप खाएंगे। हाँ भाई फल फ्रूट ले रही है, 60 बाट के मिले हैं, थोड़ी सी यार बॉडी डाउन हो रही है भाई, करना पड़ेगा थोड़ा, ये सब खाओ जरूरी है। थाईलैंड में आओ तो यहाँ के फूड ट्राई नहीं करे तो मतलब बेकार है यार, एक नंबर के फ्रूट है भाई, मज़ा आ जाएगा। सारे मिक्स हैं सारे, देखो उनके फल फ्रूट देखो कितने फ्रेश हैं, ऐसे मिलेंगे नहीं भाई अपने दिल्ली में।
भाई कल तुम्हारा भाई गया है वहाँ पे इल्यूजन क्लब में, इल्यूजन क्लब में गया, वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो रेस्ट्रिक्शंस थी, अब नहीं बना सकते थे, फिर भी तुम्हारे भाई ने थोड़े मोड़े शॉट्स ले लिए। वहाँ पे तो भाई साहब एक से एक लड़की आती है, पूरा सटो पटो अपना आराम से नाचो गाओ मौज लो, आना जरूर भाई, तक बहुत मज़ा आने वाला है इल्यूजन क्लब में। फुकेट में आ जाओ, बंगला रोड पे आएगा ये इल्यूजन क्लब, यहाँ पे जरूर आओ भाई, एक एंट्री तो बनती है यहाँ पे, एक नंबर का क्लब है, मज़ा आ जाएगा आपको भाई लोग। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिस्टम तुम्हें दिखाऊंगा, फिर यहाँ से चलेंगे हम फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड में भी तुम्हें पूल पार्टियों में भी चड्डियाँ दिखाता हूँ एक से एक। फीफी आइलैंड के बाद शायद करावी जाना हुआ तो जाते हैं, फिर वहाँ से भी आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर आपको पटाया में तो ये दिखने ही वाला है। रशियन चड्डियाँ दिखाऊंगा फीफी आइलैंड में, आप बने रहो ऐसी। अभी फिर हम यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा नहा धो के खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा सामान को देनी है ताकत, और आप भी अपने सामान का ख्याल रखो, वीडियो में पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि मज़ा आने वाला है। हाँ तो भाइयों, सुबह से कुछ खाया नहीं था, सो रहे थे, रेस्ट ले रहे थे पूरा, तो अब आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, खाना ही बहुत अच्छा है, ऑर्डर किया, अच्छी डील मिल गई थी, आपको वीडियो में बताता हूँ। हाजी भाई लड़का दिया इतनी सारी भाई, इंडियन रेस्टोरेंट है, और इधर देख लो गोरिया कितना आ रही है खाना खाने। Being just meant to because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. मेरे भाइयों, पीछे देख लो, मैं टरा रहा होगा, बोकाली शुरू होने वाली है अभी थोड़ी देर में, हरी पीली नीली सारी चड्डियाँ दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा, तुम बने रहो ऐसी वीडियो। और भाइयों, एक फुकेट ना थोड़ा सा मतलब साउथ साइड में अपने यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा सा ये महंगा है कम्पेयर टू पटाया और थाईलैंड से, बैंकॉक से, तो थोड़ा देख के आना भाई, यहाँ पे हर चीज़ मतलब थोड़ी सी महंगी है, और यहाँ पे ऐसा इंडियन क्राउड आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है इंडियन क्राउड, मोस्टली यहाँ पे यूरोपियन क्राउड बहुत ज़्यादा भाई। अब जैसे पटाया अपना चलाते हैं इंडियंस, इंडियंस पूरे भरे पड़े हैं पटाया में, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत रेयर मिलेंगे, और यहाँ पे एक्चुअल में वो लोग आते हैं जिनको शांति पसंद है, जैसे रशियन रशियन हो गए, यूरोपियन क्राउड में जितने भी लोग आते हैं भाई सारे यहाँ पे पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे तो रशियन भाई इंडियन होटल भरे पड़े रहते हैं खाने पीने के लिए, रशियन लोग आके इंडियन खाना खाते हैं दबा के, सोच लो यहाँ पे मतलब वही लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे जिनको शांति पसंद है, कि मतलब गए थोड़ी पार्टी वार्टी करी और आके अपना सो गए मौज लिए बस ख़त्म, लेकिन पटाया ऐसा भाई 24 घंटे मस्ती चलती है उधर। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.
as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. My maal dekh ke pyar aa gaya tumhare bhai ko. You say I'm alright, and for the first